एक पिक्चर चल रही है फिल्म आर्य पुरुष, तो आर्य पुरुष फिल्म का जो आम जनमानस में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी है इस फिल्म का, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बॉलीवुड में डायरेक्टर्स हैं, जैसे आपकी पिक्चर आई थी पद्मावत और रामलीला, और इस समय जो इस समय चल रही वर्तमान समय में पिक्चर जिसका लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं आदि पुरुष, तो मैं कहना चाहूँगा क्या केवल हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ही टिप्पणी करते बनता है, उनकी पिक्चरों के उनके देवी देवताओं के ऊपर कमेंटबाजी करते बनता है आपको? अगर आपके अंदर क्षमता हो तो कभी जाइए इस्लाम धर्म के पिक्चर बना के दिखाइए आप, तब मैं मानूँ। जिस तरह पीके पिक्चर में दिखाया गया, मंदिर के अंदर गए आमिर खान साहब, चर्च के अंदर गए, ठीक है, लेकिन मस्जिद के अंदर दारू लेके बाहर से चले आए। आप सभी धर्मों के साथ दिखाई ना, केवल सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं आप? मैं इस चीज़ का जवाब जानना चाहता हूँ। पहली बात, अगर कोई भी डायरेक्टर सनातन धर्म के ऊपर या कोई कार्टूनी पिक्चर बना के हनुमान जी को चप्पल चमड़े का चप्पल पहना के दिखाया जाएगा तो मैं कतई उसका विरोध करता हूँ, और ऐसी पिक्चरों को मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की सभी प्रकार की पिक्चरों को बाइकॉट किया जाए। जिस तरीके से डायलॉग्स भी बनाए गए हैं उन डायलॉगों का भी विरोध लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? पहली बात तो जिस तरह के डायलॉग आपके आदि पुरुष मूवी पिक्चर में दिखाए गए हैं, ना तो हमारे रामचरितमानस में है, ना तो रामायण में है, जो कि वाल्मीकि जी ने और जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था, जो हमारे पास साक्ष्य नहीं है, आपने उस विषय से हट के पिक्चर बनाई है। पहली बात तो उसमें जो सीता का रोल कर रही हैं उनको कोई हक नहीं है कि वो रोल करें। जिस तरह से वो बिकनी और पैंटी पहन की पिक्चरों में दिखती हैं, उनको कोई हक नहीं कि सीता माता का रोल कर सकें। सीता माता का सबसे बड़ा अपमान कर रही हैं। तो आप लोग इसके बारे में कहाँ तक संघर्ष करेंगे? संघर्ष नहीं, ये मेरा फरमान है, चाहे शुभम पारख ठाकरे का फरमान समझिए, चाहे हिंदू सनातन धर्म का फरमान समझिए। अगर ऐसी कोई भी पिक्चर आगे से कोई डायरेक्टर रिलीज कर रहा है तो मैं उसका कतई विरोध करता हूँ, और मैं इसका संपूर्ण विरोध करूँगा, और आगे से मैं ज्ञापन भी देने जा रहा हूँ आज। धन्यवाद।